देशवासियों को एवं प्रयागराज में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को मौनी अमावस्या की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज का दिन हम सनातन धर्मियों के लिए बहुत ही शुभ और पवित्र दिन है। आज के दिन जो भी संगम में स्नान करता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। कोरोना काल के समय को देखते हुए सभी लोग असमंजस में थे कि माघ मेला प्रयागराज का होगा कि नहीं होगा, लेकिन हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के साहसपूर्ण निर्णय को लेकर आज सभी जितने भी श्रद्धालु हैं अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि ऐसा मुख्यमंत्री हर प्रांत को मिले, हमारी परंपरा भी कायम रहे और कोरोना की जो गाइडलाइन भी उसका भी पालन किया जाए। क्षेत्र में सैनिटाइज की व्यवस्था थी, हर क्षेत्र डॉक्टरों की टीम थी, पर इतनी बड़ी भीड़ को जिस तरह से यहाँ के अधिकारियों ने कंट्रोल किया और जिस तरह के इनकी पूरी टीम जो प्रयागराज के जिलाधिकारी एसएसपी आईजी एडीजी साहब मेला अधिकारी सभी जो भी इनकी पूरी टीम को हम संत महात्मा आशीर्वाद देते हैं कि इन्होंने जिस कुशल बुद्धि से और अपने अनुशासन से यह मेला संपन्न कराया आज का दिन, यह सबको उनके लिए आभार और धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी मुलाकात माघ मेले के विषय में हुई थी, उन्होंने कहा था नहीं, परंपरा का पालन भी होगा और कोरोना का प्रोटोकॉल भी पालन करना होगा। हम सब संत महात्मा बार बार अपने वीडियो के द्वारा अपने शब्दों के द्वारा लोगों से निवेदन किया था कि लोग माघ मेले में आवें, दूरी बनाएं और संगम तट पर स्नान करके जो कोरोना का प्रोटोकॉल पूरा किया जाए। आज यह देखते खुशी हो रही है कि ऐसी दिव्य व्यवस्था वास्तव में कोई योगी ही कर पाएगा। उत्तराखंड सरकार से वहाँ के अधिकारियों से मेरा एक ही निवेदन है कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद आपके साथ सदैव है, सदैव रहेगी, लेकिन यदि आप लोग आज आके यहाँ देखते प्रयागराज में कि क्या दिव्य व्यवस्था और किस तरह से यहाँ पे श्रद्धालुओं का एक जमावड़ा लगा हुआ था, सब गंगा मैया की जय, हर हर महादेव, जय श्री राम के नारे लगा करके ऐसा लग रहा था कि पूरे हमारे जितने देवी देवता हैं सब प्रयागराज में इससे वास कर रहे हैं।